बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और दुनिया आखिर की तमाम खुशी नसीब फरमाए। आज का भी लोग करते हैं जी शुरू। तकरीबन मैं सुबह से आया हूँ इधर फसलों में चारा लेने के लिए। चारा तो हमारा चला गया है, अब्बा जी ले कर चले गए हैं। मैं इधर इसलिए था कि चारा हमारा ख़त्म हो चुका है, तो अगला जो इसका लो है उसको बेहतर बनाने के लिए स्प्रे वगैरह करवाने लगे हैं अभी। तो अब्बा जी चारा ले कर चले गए हैं, तो बस मैं ही इधर हूँ। तो स्प्रे हमारी टैंकी तैयार हो रही है, पहले आदमी को लेके आया हूँ फिर स्प्रे लेके आया हूँ। तो अभी बस शुरू करते हैं, 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो बाकी जो काम है हमारा स्प्रे के बाद का, पानी लगाना है इसको, वो शाम को लगाएंगे, और खाद भी डालनी है वो भी शाम को करेंगे। अभी फ़िलहाल स्प्रे करवाएंगे फिर घर चलेंगे। जुमे का दिन है और जुमे की तैयारी वगैरह भी करनी है, तो टाइम काफ़ी लगेगा। और पानी जो लगाना होता है वो शाम को ही बेहतर होता है, चारे को जो पानी लगाना होता है तो उसी वक्त हम पानी भी लगाएंगे और खाद भी डालेंगे। ये देखें, ये मुकम्मल सफाई हो चुकी है, ले गए हैं तो स्प्रे इधर तैयार कर रहे हैं। वो मैं देख के तो आया था, वो बैठे हैं तो उनको मैं देख के आया था। पता नहीं पहले वो लभ दे रहे दूसरी, वो कहते खत्म होगी, ये तो उन्होंने करनी खपान नहीं मशीन नू। अच्छा ले तो बस टैंकी तैयार है हमारी, तो 5 से 10 मिनट ही लगेंगे। स्प्रे हो चुकी है, बस अभी घर चलना है, थोड़ी सी रहती है नुक्कर तो उसके बाद फारग हैं। तो घर में जाके देखते हैं, कुछ जुमे की तैयारी भी करेंगे। और वो अभी थोड़ी सी जो टैंकी में बची है वो उसको खाली कर रहे हैं, टैंकी को साइडों पे कहीं लगा लुगू के फारग करेंगे, तो जो बच जाती है वो ऐसे ही करते हैं। तो बस अभी ख़त्म हो चुकी है, तो अभी चलते हैं घर में फिर जाके देखते हैं पका क्या। अभी तो ये भी नहीं पता है कि घर में पकाना क्या है, क्या पका होगा, तो जो पकेगा वो भी आप दोस्तों को दिखाएंगे कि आज क्या बनता है हमारे। ये देखें हमारा जो सुबह का खाना तय है, 11 बज चुके हैं। ये खरगोश पकाया हमने और ये सलाद है और साथ ये रोटी है। जुमे की तैयारी भी हमारी हो चुकी है और जुमा अभी जाने लगे हैं। मैं दरवाज़े के पास खड़ा हूँ, तो बस अभी जुमा पढ़ते हैं। तो पहले मैं तैयारी में लगा हुआ था, जुमे की कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, तो अभी बस जुमा सिर्फ होने वाला ही है, तो अभी चलते हैं। जुमा पढ़ के वापस आ गए हैं, तकरीबन 2:15 हो रहा है। तो बस सुबह से आराम नहीं किया क्योंकि सुबह से पहले चारा वगैरह लेके आए हैं, फिर मैं बाईपास पे भी गया था खाद वगैरह लेने जो हमने शाम को डालनी है। तो
उसके बाद फिर खाना वगैरह खाया है, तो फिर जुमे की तैयारी में लग गए हैं, तो आराम नहीं हुआ है। तो अभी बस इरादा यही है कि अब आराम करेंगे, थोड़ा सा सोएंगे, तो असर के वक़्त उठेंगे, फिर उसके बाद नमाज के बाद जो हमारा काम है, जो पानी वगैरह लगाना है और जो खाद वगैरह डालनी है वो करेंगे, तो उससे पहले थोड़ा सा आराम ज़रूरी है। तो बस यही सोने लगा था, इसीलिए लेटा हुआ था। बाहर वाली नल तो छेती, मैं वो पंदा बाहर ला ये नहीं पिंदी कितने आप शाम को उधर भी जाना, उधर आज जो खाद आई हुई है। अच्छा पानी ला ना हाँ मैं ये नहीं बाहर रही मारेगी, इदा तो सिखाने वो मारदा। नहीं वो भी नहीं सिखाया नहीं मैं वाले मैं छोटे वाले बड़े वाले नहीं, दूसरा कोरल ड्रॉ। ओवे नहीं साल हुंदा रब करावा अभी असर की नमाज़ पढ़ के फारो हो के नमाज से तो अपनी ज़मीनों की तरफ आए हैं। मैंने सुबह भी बताया था पानी वगैरह और खाद वगैरह डालनी है, तो आज मैं अकेला आया हूँ, साथ अब्बा जी आए हैं, तो वो आगे गए हैं पानी का पता करने। कैमरा मैन आज कोई भी नहीं है मेरे साथ, तो दोस्त को फ़ोन किया, वो बाईपास पे गया हुआ था, 10 मिनट लगने थे उसको, तो वो कह रहा है मैं सीधा इधर ही आऊँगा, तो इतनी देर में हम ये काम कर लेते हैं, नौका वगैरह जो बांधना है ये बांध लेते हैं, ये सामान मैं सारा ले आया हूँ, और फट्टा था वो मैं पीछे ही फेंक आया हूँ, जिस पे हमने ड्रम रखना है वो मैं पीछे खाले में फेंक के आया। क्यों, दो चीज़ें थी हाथ में तो वो मैंने वैसे ही उधर फेंक दिया, ये पड़ा है। इस पे हमने वो ड्रम रखना है जिसमें वो खाद और पाउडर वगैरह डालना चल रहा है, इसका पानी वो दूसरी तरफ जा रहा है, वो लगा दूसरे जो हैं वो लगा रहे हैं, तो उनका जब लगेगा फिर हम लगाएंगे। पानी वाला ना मरो तो बात नहीं होने लगना आते हैं तो बात। अच्छा तो हो गया है वो लेट हो गए तेरी वजह। अच्छा मतलब ये मोटरसाइकिल लेके निकले हैं जल्दी जल्दी मैं मोटरसाइकिल लेके निकले हैं दियो मैं फिर पहले ही आ गया ठीक है। ये स्प्रे वाली कोई काम मुकम्मल हो चुका है, और जो हमने नुक्का वगैरह लगाना था वो भी लगा लिया, पानी भी डाल लिया ड्रम में, और उसमें खाद वगैरह भी डाल ली है, जहर भी डाल लिया, बस पानी की लेट है, पानी दूसरी तरफ किसी और का लग रहा है, जब वो लगेगा तो फिर हमारी बारी आएगी, तो बस अब पानी का ही इंतज़ार है। तो हाथ मेरे ख़राब हैं, वो धोने के लिए आए हैं टूवल पे ना लगा है।
हम अभी इंतज़ार ही कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो वो आगे से अभी पानी उनका मुकम्मल ही नहीं हो रहा है, तो देखते हैं कब तक और हमारा इंतज़ार होता है। तो ये भाई भी हमारे आ चुके हैं, बाय बाय नहीं ये कह रहे हैं बाय। अभी तो हाय शुरू हुई है हमारी, तो अभी मगरब के बाद इशा टाइम तक इधर ही है। हाँ टाइम ये हो जाएगा, इशा हमारी इधर उम्मीद है हो जाएगी। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा, तो जो सूरत हाल बनेगी वो आपको आप दोस्तों के साथ शेयर करते जाएंगे। हाँ इधरों चौक के पल्ली साइड दे ला दे, सफाई करनी पैनी, वो मैं ला देना चुक। ये देखो मुंडा रात को मेहनत कर रहा है, इसको अब मेहनत करके खाना पड़ रहा है, पता चल रहा है लग जा रहा है। तू तो रिमूव कर देनी है। बस सही है, नहीं पानी आ रहा, ढक्कन वैसे ही टाइट हैगा है। ओए उधर वो पानी भरी इन्हें छठ बाद तो कर लेने। ये देखो पानी जा रहा है, पहुंचने वाला है नफीस के खेतों में। जैसे नफीस भागा भागा जाता है वैसे पानी भागा भागा जा रहा है। आज पानी हमारा शुरू हुआ हुआ काफ़ी टाइम से, तो सिर्फ अभी 15 की मिनट और ज़्यादा लगेंगे, तो उसके बाद फिर फारग हैं, फिर घर चलेंगे। तो आज हमारे दोस्त एक ही है हमारे साथ, जो दूसरे है वो लाहौर में है, तो अभी तक आए नहीं है, इसलिए रौनक कम है। तो बस अपना काम ही कर रहे हैं हम इधर, तो काम करने के बाद फौरी फिर वापसी होगी हमारी। ये देखें ये पानी इधर तक पहुँच चुका है, तो ये थोड़ा सा एरिया रह गया हमारा, तो इसको मुकम्मल करने के बाद हम फिर ट्यूबवेल बंद करेंगे, फिर घर को जाएंगे। बस इसके 5 मिनट और लगेंगे हमारे। अभी हम ट्यूबवेल बंद करने लगे हैं, तो कमरे में आ चुके हैं, तो पानी हमारा मुकम्मल हो चुका है। ए 22 मिनट हो गया ना, 22 मिनट है। हाँ 12 था, 12:22 है, 12:24 है। यार 22 तो रहता है वो। चलिए चल, अभी थोड़ी सी देर हुई है घर आए हैं, आधा ही घंटा होया, आधा पौना घंटा, तो आके खाना वगैरह खाया है। तो बस अभी ईशा का टाइम हो रहा है, नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फारिग हैं। बस आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा, और अपने भाई को अपनी खुशी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।